ये सब में जी नजर डालें अगर मत्स्य सीड की हो तो मत्स्य सीड में भी देख रहे हैं कि जो 8600 8700 के जो लेवल्स देखने को मिले थे, अब वहां से सीधा मत्स्य सीड का अक्टूबर का 8400 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन की तरह सरसों में भी यहाँ पे अभी एक गिरावट देखने को मिल पाएगी या फिर यहाँ से सरसों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी? देखिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकती है 8250 से 8300 के बीच, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वहां से दोबारा एक बार मस्टर्ड सीड जो है वो तेजी पकड़ेगी प्राइसेस एंड जो रिसेशन से दोबारा उभर सकती है, लेकिन डेफिनेटली एक या दो दिन के लिए दबाव का रूप बना रहेगा और हम 8300 के करीब के स्तर देख पाएंगे, यानी करंट लेवल से करीबन 2% की और गिरावट पॉसिबल है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि बाजार जो है समझ जाएगा और दोबारा ऊपर की तरफ रुख करेगा। इमीडिएट बेसिस पे 8700 का एक रेजिस्टेंस है जो आने वाले एक हफ्ते में दोबारा टच हो सकता है जी।